हाय गुड मॉर्निंग। सो एक और वीडियो आप लोगों के लिए टू हेल्प यू पीपल गोइंग फॉरवर्ड इन द काउंसलिंग। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया या जनरली मैं कहता हूँ कि एक तो घबराइए मत, और राउंड वन में ओवरऑल पूरी इंडिया में 50% भी रिपोर्टिंग नहीं होती, दैट मीन्स आधे से ज़्यादा सीटें आपको खाली मिलेंगी प्राइवेट कॉलेजेस की। तो ऐसा कुछ नहीं होता है काउंसलिंग खत्म हो गई, हाय हाय हमें फर्स्ट राउंड में नहीं मिला। और पैनिक भी मत कीजिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो पैनिक। मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म हुआ सिर्फ सेकेंड राउंड में तो एमसीसी में कुछ भी ले लेते हैं, चाहे साउथ ले लेंगे, चाहे वो ले लेंगे, चाहे ये ले लेंगे। और मुझे उन्हें वही समझाना पड़ता है कि आप लोग जल्दी करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब स्टेट्स का राउंड टू आएगा, और फिर कुछ स्टेट्स ऐसे जो हमारे लिए खुलते ही बाद में हैं, लाइक राजस्थान राउंड थ्री और पौंडीचेरी राउंड थ्री, उसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और सीट्स मिलती हैं एट लेसर फीस, जो कि हमारे ज़्यादा मतलब किए हैं, जो मैं बार बार अपने वीडियोज़ में कहता हूँ ऑप्टिमल सीट। मैं ये भी समझता हूँ सर कि आप में से कोई भी ड्रॉप नहीं करना चाहता, खाली नहीं रहना चाहता, कॉम्पिटिशन है, तो उसकी हमेशा एक राइट स्ट्रेटजी बन सकती है, जो मैंने कल वाले वीडियो में मोटा मोटी समझाया था कि ये फ्री एग्जिट, अपग्रेड, रिज़ाइन एंड ज्वाइन क्या होता है। अगर आप हर स्टेट का काउंसलिंग का अपग्रेड का रूल समझते हैं कि किस दिन तक अपग्रेड अलाउ है, किस दिन तक आप रिज़ाइन कर सकते हो, तो आप एक ऑप्टिमल सीट ले सकते हो। मतलब मोस्टली नॉर्थ इंडिया के बच्चे तो 260 270 वाले अभी खाली रह गए थे राउंड वन में, सबको लग रहा है जी अब एक गाज़ियाबाद का कॉलेज है, नाम ले लूँगा मैं उसको ले लेते हैं सर, क्योंकि वो कोई चाहता नहीं है लेना। और मैंने समझाया, मैंने कहा आपके मार्क्स इतने बुरे नहीं हैं, आपको और बेटर कॉलेज मिल जाएगा, कम फीस का मिल जाएगा, लेकिन लोग पैनिक करते हैं। और उसमें भी मैंने कहा चलो अब राउंड और राउंड टू का फॉर्म भर के स्टेट की सीट मिली तो 2 लाख का नुकसान होगा, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि अब जब भी आप फॉर्म भरते हैं और सीट मिल के ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका 1 लाख 2 लाख, राजस्थान भरोगे जो राजस्थानी लोग हैं 5 लाख का नुकसान होगा ना। तो अब ये अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख एमपी के एनआरआई सीट का फॉर्म भरेंगे राउंड टू में 10 लाख का नुकसान होगा। तो अगर हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जो हमारा नुकसान है वो लिमिट में हो या भगवान करे कि ना ही हो, तो उसके हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ें कि हमारे इतने मोटे इतने बड़े नुकसान ना हो। ओके, तो इसलिए मेरी आप सबको सलाह है, रिक्वेस्ट है, या जो भी कह लीजिए, अब से लेके अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डेट्स बाय डेट्स देखेंगे, और इसलिए एवरी डेट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, रूल्स ऑफ एवरी काउंसलिंग प्रोसेस जो 28 काउंसलिंग चल रही है बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर कब अपग्रेड तक अलाउड है, कब आप इस्तीफ़ा दे सकते हो, कौन से सीट लेके आप कौन सी सीट कब छोड़ सकते हो, इन रूल्स की जानकारी आपके पास नहीं है तो आई होप कि आपके काउंसलर्स आपको गाइड कर रहे हों, हम तो अपने क्लाइंट्स को कर ही रहे हैं, और उसके बाद आप आगे चल के एक ऑप्टिमल सीट ले सकते हो। क्योंकि फिर से आप में से कई लोग फ़ोन कर रहे हैं सर फिलहाल ये नंबर है क्या करें, तो और मैंने बताया कि हमारे पास अब ज़्यादा समय है नहीं इवन फ़ोन सपोर्ट देने का भी। हाँ कुछ हम चूँकि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स राउंड वन में सेटल हो गए तो मेरे पास कुछ बैंडविड्थ बची है, और इसलिए हमने पिछले 2 दिन में 5 बच्चे और ले लिए, और शायद टीम बता रही है या जो मुझे अपना टाइम नज़र आ रहा है कि मैं 4-5 बच्चे और ले पाऊँगा। अगर आपको ध्यान होगा आप में से कई लोगों ने हमें कॉल किया था 8-9 दिन पहले, तो हमने तो बिल्कुल कॉल लेनी भी बंद कर दी थी, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि खासकर जो ये वाला काम होता है स्ट्रेटजी बनाने वाला है तो मुझे ही करना पड़ता है ना विद एवरी क्लाइंट, तो वो जूनियर स्टाफ कर नहीं पाता है। तो उसके मद्देनज़र हम शायद 4-5 फुल फ्लेज क्लाइंट और ले पाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग कॉल सब हम नहीं दे पाते हैं जिसमें मैं सब कुछ समझाता था। अब तो हम यही कहते हैं कि ठीक है आप हमारा पैकेज ले लीजिए तो फिर हम आपको बता दें ये आपके नंबर हैं, उसके हिसाब से आपको कब कब क्या क्या करना है, या वो डिसीजंस हम कर सकते हैं। डेफिनेटली फॉर्म सब आपको खुद भरने पड़ेंगे, और अब शायद भर ही चुके हैं मेजॉरिटी लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, या आपके पास और कौन कौन सी ऑप्शन है पूरी इंडिया में वो सब आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी डूबेंगे, और साथ में रेजिग्नेशन के रूल्स को समझते हुए जानते हुए आपको फैसले करने हैं। डेट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दबाजी मत कीजिए। लेट्स से एमसीसी भर रहे हैं आप, देखिए लास्ट डेट कब है, क्या उससे पहले किसी का रिजल्ट आ जाएगा, रिपोर्टिंग का टाइम आएगा एमसीसी में, मगर लोग मानते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग 25 को रिपोर्ट करके आ गए, 28 तारीख को रिपोर्ट करते अगर जाते हैं तो 28 तारीख की शाम को रिज़ल्ट आ गया था कि भाई 3 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई एमसीसी रिपोर्टिंग 31 तक, राइट। इतने में सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का रिजल्ट आ गया, तो हमारे काफ़ी क्लाइंट हैं जिनको नॉर्थ इंडियन ज़्यादा प्रेफरेंस थी कि TME मुरादाबाद मिल जाए, गुरु राम राय मिल जाए, तो फिर वो राजराजेश्वरी वगैरह में रिपोर्ट करने नहीं गए। पर जो 25 को चला गया, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पहले दिन हर चीज़, चाहे फॉर्म भरना हो, चाहे रिपोर्ट करना हो,
ठीक है, मैं आखिरी दिन का भी कभी भी पक्ष में नहीं हूँ, पर पहले दिन के भी नहीं हूँ। तो आखिरी दिन से एक दिन पहले, दो दिन पहले, एक हमारा क्लासिक केस बताऊँ, ऑल इंडिया कोटा में बच्चे को सीट मिली थी, हम हरियाणा रिजल्ट की वेट कर रहे थे। पहले 29 तारीख था, हरियाणा का रिजल्ट शायद 30 को आया है, लेकिन बाई चांस की बात हुई तो मैंने बोला कि सर हरियाणा का, सॉरी ऑफिशियल डेट 29 थी, करेक्ट, ऑफिशियली ऑल इंडिया की भी 29 थी, इस बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से एमपी के शिवपुरी में सीट मिली थी, ये बताने में दिक्कत नहीं है, और हरियाणा डोमिसाइल का बच्चा है, पूरी उम्मीद थी हरियाणा मिल जाएगा, और मैं तो कह रहा था जाओ मत, पेरेंट्स नहीं मानते, मैं कहा चलो पूरी तैयारी करके ड्राफ्ट बनवा के जाना, आप पहुँच जाओ। देखो आजकल क्या, जब इतना बड़ा चीज़ है एमबीबीएस सीट, तो वी कैन हैव सम टाइम। बिल्कुल ऐसे मैंने स्ट्रेटजी बना के बताई कि मैंने कहा आपको तसल्ली है ना कि रास्ते में कहीं खो ना जाए, तो आप 27th नाइट या 28th मॉर्निंग को शिवपुरी पहुंच जाओ, लेकिन मेरे कहने पर रिपोर्ट आप 29th को करना, क्योंकि 29th को हरियाणा का रिजल्ट आना है, जो कि ऑफिशियल रिजल्ट आना था, बल्कि शायद एक दिन का और फ़र्क था, मैं एक सेकेंड चेक करता हूँ, जो शेड्यूल था उसके हिसाब से तो बल्कि एक दिन और पहले रिजल्ट आना था, राइट। तो हम ने बिल्कुल बारीकी के साथ चेक करा कि आखिरी दिन, क्योंकि इम्पोर्टेंट था, देखिए फिर से डिज़ाइन हो जाता अगर हम शिवपुरी दो दिन पहले चले आते, और सरकारी में तो कोई नुकसान भी नहीं है, बट एक तो फिर जाते उनसे पेपर वापस मांगते, मतलब कहते झमेला था, अब उनको हमें सेफ्टी खेलना था, तो हरियाणा का रिजल्ट बल्कि 27th को आना था, राइट। तो हमने कहा ठीक है भाई, और वैसे ऑफिशियल रिपोर्ट भी 29th को थी, पर मैं कहा रिजल्ट्स कैन समटाइम गेट लेट ना, तो आप ये प्लान बना के चलना कि आपने 28th को वहाँ पहुँचना है। उनको लगा जी 27th को पहुँच जाएंगे, एक्चुअली वो होटल में पहुँच गए थे 27th की नाइट को, उन्होंने कहा सर 29th नहीं 28th को रिपोर्ट करेंगे, मैं कहा ठीक है। 27th को पहुँच गए, 27th को ही टाइम से हरियाणा का रिजल्ट आ गया, हरियाणा का रिजल्ट आ गया, एक्चुअली वो उसी होटल से वापस आ गए बिना कॉलेज के अंदर घुसे, आपके सारे ओरिजिनल सब कुछ आपके पास है, वापस आके आपने हरियाणा ज्वाइन कर लिया। सो दिस इज़ द एडवांटेज व्हेन यू ट्रैक डे बाय डे ऑफ वेरियस रिजल्ट्स, खासकर रिपोर्ट। चलो उस समय तो नुकसान भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा भी छोड़ देते तो 10,000 भी ना जाते, पर राउंड टू में भी चलो अगर आपने सेम दो भरे या तीन भरे तो आपके 1,00,000-2,00,000 का नुकसान तो होगा, बट कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने फट जल्दबाजी में पहले सीट पकड़ ली, दो दिन बाद दूसरा रिजल्ट आया, वो आपको सीट मिल गई जो आपको ज़्यादा पसंद थी, अब दोबारा पहली पे जाओ रिज़ाइन करो। तो कभी भी पहले दिन की जल्दबाजी मत कीजिए, आखिरी दिन का भी मत वेट कीजिए, बट ये भी मत सोचिए कि दूसरे दिन ही चला जाऊँ, तो अगर 6 दिन का टाइम है तो चौथे या पाँचवें दिन का प्लान कीजिए, बल्कि चौथा दिन प्लान कीजिए वहाँ पहुँचने का, पाँचवा दिन प्लान कीजिए कॉलेज में घुसने का, कि कोई कागज़ वगैरह कम है तो आप 6 दिन 5वें दिन अरेंज करके 6 दिन दे सकते हो, कुछ उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलते पहले जाने के, राइट। लेकिन जो दूसरे रिजल्ट्स आने, तो मैंने वो क्लासिक केस बताया ना, ऑल इंडिया रिजल्ट, हरियाणा रिजल्ट, हरियाणा में सीट मिली, आप ऐसे बहुत नॉर्थ इंडियन बच्चे ऐसे रहे होंगे, तो वो बच्चा फिर भी मेरी नहीं मान के चला गया था, मैंने तो ये कहा था कि सर रुक जाइए 27 को रिजल्ट आ ही रहा है, 28 की सुबह भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, 8 घंटे का रास्ता है दिल्ली से, आप पहुँच जाओगे, पर चलो उसमें वो उनका अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल था, तो आना जाना उनका वेस्ट हुआ, लेकिन एटलीस्ट वो कॉलेज के अंदर वाली जो एक्टिविटीज़ थी, जो पैसे देना, फीस फिर वापस लेना, वो सबसे झंडों से तो बचे ना। सो डेट्स, इंडिविजुअल स्टेट्स काउंसलिंग्स, डिपॉजिट, ये सब बहुत हेल्प करती हैं आपको टू फाइंड द ऑप्टिमल सीट गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे। तो पहले दिन की जल्दबाजी अगर नहीं करोगे तो बहुत क्लैरिटीज आपको मिलेंगी। मतलब अब एमसीसी का राउंड भी शुरू होना है, तो लोगों को फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, सर शुरू हो गया क्या, हमारी चॉइस फिलिंग कर दी क्या, मैंने कहा पहले तो अभी हुआ ही नहीं, और होगा तो 6 दिन का टाइम होता है ना, वो चौथे दिन का टाइम इसलिए होता है कि बहुत सारी एनालिसिस, दूसरे स्टेट्स में से क्या रिपोर्टिंग चल रही है उससे बहुत आइडिया लगता है, यूपी बहुत शानदार तरीके से लाइव दिखा रहा है कि वेबसाइट पे जो वो इंस्टीट्यूट अलॉटेड लिस्ट है एक एक कॉलेज का दिखा रहा है कितने लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, हरियाणा डेली डाल रहा है कितने लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स की, इन सब डेटा से बहुत जानकारी मिलती है कि भाई स्टेट्स में कितनी सीटें बचने वाली हैं, उसके हिसाब से आप जजमेंट करोगे ना कि एमसीसी में हम कुछ भी ले लो या डेस्परेशन की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो बस यही मेरी आप सबको सलाह है, इसके थ्रू कीजिए तो यू विल गेट गुड सीट, और जैसा मैंने कहा कि 3-4 मोर पीपल वी कैन हेल्प, तो आप में से जो भी चाहें 9643362320 पे कॉल कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ जो मेरे पुराने वीडियोस थे, वी डोंट टॉक फ्री विद एनीबॉडी, मिनिमम चार्ज अब 5,000 रुपये है टू टॉक टू 20 मिनट, और उसके बाद ये जो पूरा पैकेज है, चूँकि फॉर्म अब आपको खुद को भरने हैं तो हमें 50,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं टू हेल्प इन दिस
थॉट प्रोसेस इन द नेक्स्ट वन एंड हाफ मंथ्स इफ नीडेड. और ऑफ कोर्स कोई अगर अभी भी NRI या मैनेजमेंट सीट या नेगोशिएबल सीट के लिए चाहता है बंगाल की या राजस्थान की, तो वो हमारी फीस 1.5 लाख रुपए ही रहती है. 75,000 वाला पैकेज प्रैक्टिकली बंद है, तो या तो 50,000 देंगे और हम आपको स्ट्रेटेजिकली हेल्प कर देंगे, फॉर्म हम भरेंगे ही नहीं, या 1.5 लाख वाला है. ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. और फिर से मैं हमेशा दुआ करता हूँ आपको अपने बजट और नंबर के हिसाब से बेस्ट सीट मिले. बाय बाय.